हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सादानंद डिजाइन एडिट में। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि फोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स चलो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो फ्रेंड्स पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन फाइनली ओपन हो चुका है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एडिट फोटो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और जो उसका बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को चलो सिंपली से ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे और जो क्रॉप वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, इस साइड से और उस साइड से भी, और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सही कर देते हैं। फिर से जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे और रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे 5000 करेंगे, देखते हैं कितना उठाता है। 2897 उठा रहा है फ्रेंड्स। तो सिंपली से वहाँ पर 2897 वहाँ पे लिख देंगे और रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद जाएंगे ऐड वाले ऑप्शन पे, स्क्रॉल करते हुए ऐड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जो अपना फ़ोटो है उसको हम ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं पहले से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ उसका लिंक दिया है, जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और फुल HD में आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फिर से जाएंगे ऐड वाले ऑप्शन पे और एक PNG है उस PNG को भी ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद उसके कुछ इस टाइप से बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद और जो ऊपर सही वाला निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करके सही कर देंगे और फिर से जाएंगे ऐड वाले ऑप्शन पे और एक और PNG है जो उस PNG को भी हम ऐड कर लेते हैं। चलो फटाफट उस PNG को भी ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा, उसके बाद से उसे घुमाकर अच्छे तरीके से नीचे एडजस्ट करने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए मेरे बॉडी पे जो आया है, मेरे फोटो पे जो आया है उस पर इरेज कर लेता हूँ। देखो सिंपली से इरेज कर लेता हूँ जो हट जाए, उसके बाद से सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सही कर देते हैं। फिर से जाएंगे ऐड वाले ऑप्शन पर और एक PNG है नीचे के साइड में, जिस PNG को हम लगाएंगे ऐड कर लेते हैं उस PNG को भी और कुछ इस टाइप से जूम करने के बाद नीचे कर देंगे। आ जाते हैं एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और जो व्यू लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और देख लेते हैं रेड कलर में उसको एडजस्ट कर देते हैं, देखिए जैसे मैं करता हूँ, और सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सही करके और उस फोटो को सही कर देते हैं। फिर से जाएंगे ऐड वाले ऑप्शन पे और एक हैप्पी नवरात्रि का PNG है उस PNG को भी सिंपली से ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो अभी तक मेरे चैनल के यार सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे ना मेरे भाई तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाओ फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके आप वहाँ से सिंपली से फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा फोटो एडिटिंग हो गया है। आ जाते हैं ड्रॉ वाले ऑप्शन पे और लेयर पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को ऊपर कर लेते हैं और लेयर को मर्ज कर लेते हैं और सिंपली से 3 डॉट पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को सेव कर लेते हैं गैलरी में। फ्रेंड्स तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा फ़ोटो एडिटिंग हो चुका है, देखिए कितने अच्छे तरीके से। थोड़ा सा लाइटरूम में लेकर चल के उसे थोड़ा सा टचिंग कर लेते हैं, चलो शेयर कर लेते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में और उसमें ले चल के थोड़ा सा एक रिटचिंग करेंगे। फ्रेंड्स तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और मेरा फ़ोटो जो है ऐड हो चुका है। फिर से जाएंगे ऐड वाले ऑप्शन पे और एक प्रीसेट है जो कि मैं ही बनाया हूँ अपने फ़ोटो का, उस प्रीसेट को भी सिंपली से ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस प्रीसेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके आप सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह का फ़ोटो आप लोग भी एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरा प्रीसेट फाइनली ऐड हो चुका है, देखिए आ चुका है। उस प्रीसेट पर क्लिक करेंगे सिंपली से और उसके बाद से ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद से जाएंगे 3 डॉट पे ऊपर जो दिख रहा है और कॉपी सेटिंग लिखा है कॉपी करके सही कर देंगे और उसके बाद से बैक आ जाते हैं ओरिजिनल पिक पे अपने और उसके बाद से इसको ओपन करने के बाद जो ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके और पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मेरा एक ही क्लिक में कितने अच्छे तरीके से मेरा रिटचिंग हो चुका है।
उसके बाद से ऊपर शेयर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करके और इस फोटो को अपने गैलरी में सिंपली से सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन आल PNG एंड बैकग्राउंड का लिंक दिया है, जाके आप सिंपली से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह का फ़ोटो आप भी बना सकते हैं। अगर आप लोग बताएंगे कि मुझे किस तरह से वीडियो चाहिए तो मैं उस तरह का फ़ोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर कमेंट में आप बताते हैं कि भाई मुझे इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग सिखाओ तो मैं उस टाइप का वीडियो बनाऊंगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।